ये कहाँ चला गया? अच्छा भाई, ये सिंपली ग्रुप है, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी ना मैंने? हाँ ठीक है, ये सिंपली ग्रुप है हमारा और ये ग्रुप पर टास्क को करेगा। अच्छा जो एब्सेंट है फिर उनका हमें क्या करेंगे, ग्रुप बना देंगे। हम बैकएंड लगाना है ना, फ्लास्क करके एक आती है, हाँ पाइथन के ऊपर ही करनी है। अगर कोई इसका सोल्यूशन मिल जाता है इसी से रिलेटेड किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो भी अच्छा है, लेकिन मुझे पहले दिखाओगे कि भाई सर ये मिला है क्या इसमें, ये चीज ऐसा नहीं है कि कोई मिली ओपन सोर्स और उसका प्रोसेस करने का कुछ अलग है। नहीं, ये अगले हफ्ते देना है, अक्टूबर में देना है। हाँ अगले, वैसे भी अगले, ये अक्टूबर, ये समझ रहे थे कि एंड ऑफ द अक्टूबर मतलब, तो थर्सडे को बिल्कुल क्लास है। क्यों नहीं, मैं नेक्स्ट वीक का कह रहा हूँ कि ये असाइनमेंट नेक्स्ट वीक आप लोगों को सबमिट करनी है। ठीक है भाई, सारे ग्रुप लीडर्स सुन लो, अगेन मैं बता रहा हूँ क्या असाइनमेंट है, असाइनमेंट नहीं है, एक तरीके से प्रोजेक्ट है। ठीक है, आप लोगों ने कुरान GPT जो बनाई, ठीक है, उसके ऊपर बैकएंड अप्लाई करना है और कुछ इस तरह का कि आप जैसे ही लेट से कोई एक अपनी जिसके पास बनी हो वो अपनी भेजो एयरफोर्स शेयर पे। हाँ ये अभी मैं ग्रुप पे शेयर कर, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, ये एयरफोर्स शेयर पे रखता हूँ, अगर किसी को मिलता है जैसे वकार भाई के पास एक्सेस है ग्रुप का तो काइंडली आप ये शेयर करते हैं, नीचे मेंशन करते हैं जो एब्सेंट है, काइंडली सर से कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, ए फोर शेयर पे डाल दी तुमने डिप्लॉयड URL, नहीं आएगी बेटा। हाँ ये आ गई, ठीक है। अब देखो ये ऐप जो है भाई, तुमने वो किया हुआ है, क्या कहते हैं, हाँ एवरीवन एक्सेस टू एवरीवन करो, मैंने शायद उस दिन चेंज की होगी ना, उसके बाद से ही चेंज हुआ हुआ है। हाँ शायद चल गई, हाँ चल गई। ओ भाई थोड़ा सा वो डिसेंट पिक्चर लगाओ। अब यार OpenAI की भी दे दो, मैं खुद की तो मतलब मैंने दी भी, तो आप लोगों को दी भी है OpenAI की? मैं देखता हूँ यार मेरे पास है, अभी कितनों ने ये लिंक्डइन पे अपलोड कर दिया है, हाथ खड़े करो। सर कर दिया लेकिन वो लोगो चेंज कर दे, वो कब होगा, दज्जाल आ जाएगा तब, एक दो तीन पीछे वाले बैक बेंचर से काम कर रहे हैं, चार पांच अपलोड की मैं बात कर रहा हूँ, कर दे जल्दी से, ए फोर शेयर पे भेज दे। नहीं लोगों का सिंपली आप इसकी फाइल होगी ना, मैं दिखाता हूँ, PDF एनालाइजर किस नाम से इसकी ने, इसके अंदर एक इमेज, हाँ ये इमेज करके फोल्डर बना हुआ है ना, इस पर आपने जाना है, यहाँ पर इसी नाम से एक इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करें या इसको डिलीट करके इसी नाम से एक इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करें, आपकी सिंपली इमेज चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं करना। क्या
बिल्कुल डिलीट होगी, कैसे नहीं होगी, बिल्कुल हो सकता है। हाँ भाई फोर कर दिया तो तुम्हारे पास अपनी बन गई ना, फोर किया तो तुम्हारे पास अपनी रेपो में बनती ना, अपने तुम्हारे रेपोजिट। हाँ फिर मैं आप बिल्कुल उसमें चेंजेस कर सकते हो। हाँ भाई तो कह रहा हूँ फोर किया तो तुम्हारे अपने इसमें क्लोन हो गई, इन शॉर्ट अब उस पे तुम चेंजेस कर सकते हो। ये रही ना आधो रही डिलीट फाइल के ऑप्शन, सही अच्छी बात जबरदस्त। ठीक है मैंने की लगा दी है एंड देन लेट्स सी के कोई फाइल हो हमारे पास। हाँ कुछ डॉक्यूमेंट भेजो रिगार्डिंग। डीप लर्निंग ऑफ पाइथन देखते हैं क्या चीज है। 10 MB की फाइल है, देखते हैं इसको चंक में कन्वर्ट करता है या नहीं, बट थोड़ा सा अब करना पड़ेगा ना, आपने इससे पहले चैटबॉट पढ़ा था, इससे पहले आपने कभी चैटबॉट पढ़ा था क्या है ना आपने। जब तक आप उस तरह के टास्क नहीं करेंगे जिसमें आपको खुद से चीजें करनी पड़े फिर तो आप प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते ना। अच्छा मुश्तबा दोबारा ओपन आएगी ये दो, तो ये नेक्स्ट जो अपकमिंग मंडे होगा उसमें आप लोगों को ये असाइनमेंट दिखाना है। अच्छा भाई ये बताओ कि अभी यही जहन हो रहा है कि यार फला तो लियाकताबाद में रहता है, फला यहाँ रहता है, कोलैबोरेशन किस तरह से करेंगे, ऐसा ही है कुछ मेंबर्स आगे पीछे रहते होंगे, यही चीज़ होती है भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही होती है। अभी आप जब रिमोट बेस जॉब करोगे तो वहाँ पर तो अगला बंदा US में बैठा हुआ होगा, एक इजिप्ट में बैठा हुआ होगा, वहाँ पर कैसे करोगे। वही मैं बता रहा हूँ कि यही एक्सपीरियंस करने के ये सारे टास्क दिए जाते हैं कि भाई थोड़ा सा आप हैंड्स ऑन की तरफ आओ चीज़ों की, तभी दोस्ती यारी वाली गैदरिंग बनाई नहीं है, वहाँ पे तो आपको गोरे काले सबके साथ काम करना पड़ेगा। चंक्स क्रिएट नहीं हुए अभी तक,
अच्छा भाई देख लो, इस तरह की आ रही होगी ऐप, और जैसे ही आपका रिट्रीव होना डेटा, तो इस तरफ एक वो बना लो कि आपका डेटा यहाँ पे शो होना शुरू कर दे। अब जैसे नहीं अभी लाइव किए इसमें या नहीं, डेमो दिखा देता हूँ तुम लोगों को ये किस तरह से होगा। ऑथेंटिकेट कर देते हैं, देखो इस तरह से पैनल्स कुछ बने हुए होंगे और इस तरह का आपके पास आ रहा होगा। यहाँ पे ना आपका जो आप कस्टम मैसेजेस सेट करोगे इस तरह से कुछ आ रहा होगा। यहाँ से आप डेटा अपलोड करो या फिर आप यहीं पे रख दो, डेटा अपलोड करने का ऑप्शन कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्लियर। जो फाइल आप लोग अपलोड करोगे वो भी डेटाबेस में सेव होगा, क्योंकि बाद में वो बंदा अगर भी पूछ सकता है ना, और वो चैट तो सेव करेगा ही करेगा। चैट किस तरह से सेव करेगा कि न्यू चैट, जैसे आता है ना ऑप्शन, आप चैट जीपीटी पे जाते हो हर बार न्यू चैट पे क्लिक करते हो तो न्यू चैट के ऊपर ऑप्शन आता है, क्लियर। तो ये इस तरह से होगा, सही है, समझ में आ गया। अभी लग रहा होगा यार ये क्या आदाब आ गई, मतलब हाँ मैं क्या समझे वो, मतलब मैं बताऊंगा ही नहीं है आप लोग, तब भी नहीं बताऊंगा, खुद करोगे आप लोग। तो ठीक है भाई, आपने सिंपली ये काम किया हुआ है, आपको मिला हुआ है हलवा। अरे फ्रंट एंड रिएक्ट पे बना भाई, क्या क्या बैक एंड रिएक्ट पे बना भाई, किसका सिंपली मैंने बताया ना कि भाई या तो ये यूज कर लो, अगर कहीं से मिले यही चीज एग्जैक्टली यही चीज वो भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन एट द एंड गोल यही होना चाहिए कि भाई डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे क्रॉनिक वर्सेस, उसके ऊपर क्या करे, दो काम करे, डेटाबेस में वो डेटा को सेव करे, उस पर्टिकुलर फाइल को सेव करे पूरे, और सेकंड चीज क्या होगा कि उस पे जितने भी चैट्स हो ना, जैसे चैट जीपीटी करता है कि आप जब भी न्यू चैट क्रिएट करते हो वही एग्जैक्टली आ जाती है। हाँ अब तुम लोगों को यार मतलब बता देता हूँ, चैट जीपीटी खोल के, पता है ना चैट जीपीटी क्या होता है, भाई इसको बोलते हैं इंटरफेस, हम लोग को ऐसे ही बताना पड़ेगा, सही है। अच्छा भाई अब जैसे आप न्यू चैट क्रिएट करते हो ना जब भी, ठीक है, तो न्यू चैट जैसे ही आप क्रिएट करो अगेन इस तरह से आपके पास ये स्क्रीन ओपन होगी, ठीक है, ये स्क्रीन ओपन हुई, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे यार पांच बंदे का ग्रुप इसीलिए बनाए कि भाई काम डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप लोग, ऐसा नहीं है कि एक वाइब फिर इसके ऊपर रखेंगे, लेकिन अभी समझो कि क्या चीज है, एक इस तरह की कुछ स्क्रीन बना लो कि जैसे ही वो बंदा आए उसके पास न्यू चैट्स का ऑप्शन हो, न्यू चैट्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाए। ये हटा दो, ये जो ओपन एआई एम्बेडिंग सिमिलैरिटी सर्च की जरूरत नहीं है, वो बंदा खुद ऑलरेडी सर्च करके निकाल रहा है। ये से इस वजह से जैसे एफएक्यूज का ऑप्शन होता है ना, 10 एफएक्यूज का अक्सर वेबसाइट पर मोस्ट पॉपुलर होते हैं, तो ये उसका काम कर रहा है। तो ये ऑप्शन हटाकर यहाँ पे न्यू चैट का ऑप्शन रखो, यहाँ पर जैसे न्यू चैट पे क्लिक करे ये इंटरफेस ओपन होकर हो जाए, ओपन जैसे ही हो एग्जैक्टली ये चीज आएगी। अच्छा अब यहाँ से आप दो चीजें उठाओगे, एक तो यूजर्स के चैट जो भी मतलब यूजर्स पूछ रहे, क्योंकि कल को आके आपसे पूछ सकते हैं ना, ये हर चैट पे सेव रहेंगे, जैसे जनरेट चैट जीपीटी पे आपके पास सामने क्यों कैसे ठीक ठाक, तो ये जिस तरीके से यहाँ पे चैट सेव रहते हैं ना, आपके पास भी ये चैट इस तरह से सेव रहेंगे, और उसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो ये दोनों काम आपने करना है। बहुत ज्यादा आसान है बधाई, लग रहा होगा मुश्किल, लेकिन एक मैं बता रहा हूँ ना, एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ ताकि फिर आप लोगों के रोना, ये तो रोना धोना वाले शक्ल बना हुआ ना अभी फिर। अच्छा अभी मैंने पीडीएफ ओपन किया था ना अभी, हाँ चला गया। देखो जिस तरीके से index.html बना हुआ है,
ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, एक और एक मतलब इसकी के अंदर एक डिफ क्रिएट कर लो, और उसके मतलब यानी कि उस पर ऊपर सारी जो कंटेनर्स चले होंगे ना बारी बारी स्क्रीन स्प्लिटिंग के, वो उसके ऊपर होंगे। ठीक है, यूआई वाला काम मैंने सिंपली बता दिया। उसके ऊपर एक बटन होगा और जैसे उसके ऊपर क्लिक करे एक विजेट बन के हर बार आ जाएगा, और जैसे विजेट के ऊपर क्लिक करे स्क्रीन पे क्या हो जाएगी, सेकंड स्क्रीन राउट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? रिएक्ट पढ़ा है कभी? अब बोलोगे यार कभी मतलब नाम ही नहीं सुना है। रिएक्ट मैंने मेंशन किया था, तो रिएक्ट हम इंशाल्लाह नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जनरेटिव एआई में मैंने स्ट्रीमलेट मेंशन नहीं किया था। ठीक है, स्ट्रीमलेट पढ़ लिया हमने, मेंशन नहीं किया था स्ट्रीमलेट। नहीं नहीं, अब जो पढ़ लिया पढ़ लिया। रिएक्ट रिएक्ट पढ़ना इस वजह से नहीं क्योंकि रिएक्ट की खुद जो है ना मार्केट अब डिमोलिश हो रही है, क्योंकि लोग ज्यादा नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे नेक्स्ट 15, नेक्स्ट जस्ट 15 आ गया, सॉरी 15 बोला 13.5, वो नेक्स्ट नेक्स्ट जो जीएस है वो अलग चीज है। मैं यूआई फ्रेमवर्क या फिर इसकी बात कर रहा हूँ, फ्रंट एंड डेवलपमेंट की। खैर उसमें एसएसआर भी है, फुल स्टैक डेवलपमेंट टूल वो है फ्रेमवर्क। ये वाला असाइनमेंट सेलेक्ट करने की दो वजह है, एक तो टीम कोलैबोरेशन होगी और दूसरा ये कि आप लोग कितने पानी में ये चीज दिखेगी। अभी तो आप लोग बोला ना वो बहुत बिल्कुल लगाया हुआ है कि आई एम एआई चैटबॉट डेवलपर लिंक्डइन में, बिल्कुल फुल मस्त। बिल्कुल भाई काम तो है नहीं, जिस काम का मना जिसका दाम लगे नहीं फायदा। तो अब काम की बारी है, तो ये दो वजूहत हैं जिसके ऊपर असाइनमेंट ये है। क्लियर हो गया भाई? मैंने यूआई वाला एग्जांपल दे दिया। डेटाबेस आप लोग अपने मर्जी से कोई सा भी यूज करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, उसके बाद दो घंटे बैठ जाओ यहीं पे। क्लास के बाद तो टाइम मिलेगा ना, आप लोग कहीं पे भी बैठ जाओ, कोई मना नहीं करेगा आपको। बोल देना कि सर ने कहा है कि सर ने हमें प्रोजेक्ट दिया, वरना सब मतलब कोर्स टर्मिनेट कर देंगे। तो नहीं थर्सडे नहीं, ट्यूसडे वाले दिन मुझे ये हर हाल में चाहिए। ऐसा कोई वो नहीं है, ट्यूसडे वाले दिन चाहिए। मेहनत कोई नहीं होता, कंट्रोल सी कंट्रोल भी होता है भाई डेवलपमेंट में। नहीं कहीं नहीं होती मेहनत। जी अपकमिंग एक हफ्ता है पूरा आप लोगों के पास, ठीक है, एक हफ्ता है। 12 रबीउल में मतलब 12 रबीउल के रात को बैठ जाओ, सवाब भी मिलेगा और काम भी हो जाएगा। तो हाँ क्लास है, माइंड करते हैं बड़ी रात बिल्कुल।